हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास थर्ड का चैप्टर एट अ लिटिल फिश स्टोरी। आज हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, एक छोटी फिश के बारे में है ये स्टोरी। उसकी क्या क्या थिंकिंग है बताया गया है इसमें। देयर आर अ ग्रेट मेनी मिलियन फिश इन द सीज, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। यू नो मिलियन मीन्स क्या हो जाएगा, 10 लाख। तो देयर आर ग्रेट मेनी मिलियन फिश इन द समुद्र में, सी मीन समुद्र, समुद्र में बहुत सारी लाखों फिश होती हैं, पर ये जो स्टोरी है ये एक ऐसी फिश की है जो एक बहुत छोटी सी थी, एक छोटी सी फिश थी उसकी ये स्टोरी है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंट, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। है ना, ये इस मछली के पास में समुद्र में सब कुछ था जो उसे चाहिए था, वो सब कुछ था जिससे वो खुश रह सकती थी, पर फिर भी वो खुश नहीं रहती थी। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वाज नॉट, है ना, आप तुमको हंसी आएगी कि ऐसा क्यों, जब उसके पास सब था तो भी वो खुश क्यों नहीं थी। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो इसलिए अनहैप्पी थी, खुश नहीं रहती थी, इसलिए खुश नहीं रहती थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। उसको इसी बात का दुख था कि मैं तो बहुत छोटी सी हूँ। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, एंड ही सैड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। है ना, अब क्या होता था कि वो छोटी थी इसलिए वो अनहैप्पी रहती थी, उसको खुश नहीं रहती थी, तो वह इतनी सोचती थी कि वह इतनी छोटी मछली होना उसके लिए कठिन है। वह बार बार कहती थी कि अगर मैं बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती, और इसे उसने इतनी बार कहा कि मुझे लगता है कि उसने इस पर विश्वास ही कर लिया था कि मतलब मैं छोटी हूँ इसलिए अनहैप्पी हूँ। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, व्हेन सडनली विथ नो वार्निंग दे फाउंड themselves in the meshes of a great net. अब एक दिन क्या हुआ, वो ऐसा सोचा करती थी कि मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, क्योंकि फिश सी में तो बहुत बड़ी बड़ी फिश भी थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने बाकी जो समूह था, मछलियाँ भी पूरे ग्रुप में घूमती हैं पानी में, है ना, तो एक दिन वह अपने बाकी समूह के साथ तैर रही थी और सोच रही थी कि निसंदेह बड़ी मछली के लिए कितना आभारी होना चाहिए। जब अचानक फिर क्या हुआ, बिना किसी चेतावनी को कि उसने खुद को एक बड़े से जाल में पाया, है ना, तब तक किसी ने एक बड़ा सा जाल फेंका और उसमें वो जाल के अंदर वो भी फंस गई, बड़ी मछलियाँ फंसी और वो भी फंस गई। देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एट द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट, एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बींग emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool water, cool clear water. How good it felt. Okay, अब क्या हुआ कि जब वो पानी में से जाल को सूरज की रोशनी में खींचा गया, है ना, जिसने भी जाल डाला था, और उसने फिर जाल को जब ऊपर खींचा तो और उसको नाव में खाली कर रहा था, तो वैसे ही क्या हुआ कि वो जो छोटी मछली थी जाल के जो छोटे होल थे ना, गैप था, इनमें से बाहर ठंडे पानी में इस फिसल करके बाहर निकल आई। और फिर उसने सोचा कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जाल में से बाहर आ गई थी, बड़ी मछलियाँ तो वहीं फंसी रह गई थी। ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सैड that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish, है ना। और फिर वो क्या हुआ कि पानी में वो यहाँ वहाँ सभी जगह तैर रही थी, और कुछ मछलियाँ जो उसे हमेशा से जानती थी, उन्होंने वो लोग बोलने लगी कि उन्होंने ऐसा फिर उसे कभी भी ये कहते हुए नहीं सुना कि वह छोटी मछली जो है ना वो और कुछ बनना चाहती थी, मतलब कि अब वो छोटी ही रहना चाहती थी। क्यों, क्योंकि वो जाल में से बाहर निकल गई थी, है ना, अगर बड़ी होती थी इस तरह से जाल में फंसी रहती तो जो मछलियाँ पहले से थी समुद्र में, वो लोग ऐसा बोलने लगी
कि हम इस छोटी मछली को बहुत सालों से जान रहे हैं, पर अब उसको हमने नहीं कहते सुना और अनहैप्पी नहीं देखा है कि अब मुझे छोटी क्यों हूँ, बड़ी होना चाहिए। मतलब वो अब खुश थी कि मेरी आज जान बच गई, छोटी थी तो मैं जाल के बाहर आ गई। अब यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स हैं, है ना, मिलियन मीन 10 लाख, फ्लाउंडरिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना, फिर मिशेज मीन्स जाल, हॉल मीन्स घसीटना या प्राप्त वस्तु, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट, स्प्लैशिंग मीन्स छिड़कना, एम्प्टाइड मीन्स खाली, ब्रिगल्ड मीन्स छुटकारा, एंड वार्निंग मीन्स चेतावनी। ओके, अगर आपको मेरी स्टोरी लगी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।